गुरुवार को आज तीसरा दिन था जब आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। तीसरे दिन 3:30 बजे ASG NCB के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने दलीलें पेश करनी शुरू की। इसके पहले दो दिनों तक जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने दलील दी थी, लेकिन यहाँ पर NCB बार बार कहती रही कि उनके पास जो चैट्स हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। आर्यन खान पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं, ड्रग्स साजिश के हिस्सा रहे हैं, पेडलर से उनके संबंध रहे हैं। उन्होंने कई दलीलें दी, लेकिन बाद में आर्यन खान के वकील जब कोर्ट में दलील देने शुरू किए उन्होंने कहा कि अगर क्रूज में 1300 लोग थे तो सिर्फ 20 लोगों पर ही मामला क्यों दर्ज किया। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि अगर किसी होटल में रेड किया जाता है, 5 लोगों के पास ड्रग्स मिलता है तो बाकी लोगों को भी क्या NCB कार्रवाई करेगी। तो ये एक पहला आधार था जो मजबूत पक्ष था। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आप इसको षड्यंत्र कैसे कह सकते हैं। आर्यन खान के पास कोई कंजम्पशन नहीं था, कोई भी ड्रग्स बरामदगी नहीं हुई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली। हालांकि उनका दोस्त है अरबाज, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से क्रूज पे पहुंचे थे, जबकि आर्यन खान वहां पर इनवाइटी के तौर पे थे और अरबाज खान खुद गए थे। तो ये दोनों षड्यंत्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। इन सभी बातों का आधार जो है वो कोर्ट ने माना और कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी। अब शुक्रवार को शाम को या फिर शनिवार को आर्यन खान अपने घर पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।